रिमोट सेंसिंग। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति महासागरे हैं, जिसका डर पहले इंसानों को था और जिसने तकनीकी नवाचार की ओर मजबूर करके उन्हें पहले तैराया और फिर उसके अंदर गोता लगाया। आजकल महासागरे हमारे करीबी दोस्त हैं, खाद्य भंडार का एक बड़ा स्रोत है और वास्तव में ही हमारी दुनिया के बारे में जानकारी का एक बहुत ही उपयोगी स्रोत है, जो हमें जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सिखाते हैं। वैश्विक अवलोकनों के लिए धन्यवाद। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों या विस्फोटक मध्य अक्षांश के तूफानों और ध्रुवीय निम्न दाब जैसे चरम मौसम की घटनाओं को अब अधिक सटीक रूप से भविष्यवाणी और खोज किया जा सकता है। महासागर रिमोट सेंसिंग का सामना करने वाली चुनौतियाँ असीमित रूप में हैं, जैसे समुद्र की सतह की गतिशीलता की विविधता और दुनिया भर में मौसम संबंधी परिस्थितियाँ और स्थानिक की सीमा और समय के पैमाने। इन महासागर प्रेक्षणों की बढ़ती गुणवत्ता, मात्रा और अवधि फिर व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ स्थानीय या वैश्विक जलवायु परिवर्तनों का आकलन करने के लिए प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रभावों के लिए निश्चित रूप से कौशल की मांग निर्माण से निरंतर टिप्पणियों और वास्तविक समय की व्याख्या करने में स्थानिक तराजू मीटर से सैकड़ों किलोमीटर तक की एक विस्तृत श्रृंखला की महासागर निगरानी करती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष से उपलब्ध वैश्विक अवलोकन इन ग्रह के बड़े क्षेत्रों का विश्लेषण करने के लिए एक अनिवार्य उपकरण है। महासागर का रंग। हम समुद्र को नीला देखते हैं क्योंकि यह आकाश के नीले रंग को परावर्तित करती है। हालांकि अगर पानी में कोई निलंबित कण है तो रंग थोड़ा बदल जाएगा। समुद्र के रंग को मापने से हमें पता चलता है कि किस प्रकार के कण और उनकी संकीर्ण दृढ़ता मौजूद है, जैसे कि क्लोरोफिल, पीले पदार्थ और निलंबन में अवसाद। और जब पानी बहुत पारदर्शी होता है तो हम समुद्र की गहराई का भी अनुमान लगा सकते हैं और विभिन्न शैवाल के प्रकार को वर्गीकृत कर सकते हैं। महासागर का सतह। सिंथेटिक एपर्चर रडार समुद्र की सतह का बहुत अच्छा विवरण प्रदान कर सकते हैं और वे बादलों के माध्यम से देख सकते हैं। वे समुद्री सतह की धाराओं का पता लगाने के लिए या लक्ष्यों का पता लगाने जैसे जहाजों या तेल का फैलाव के लिए बहुत उपयोगी उपकरण है। हवा की गति। रडार स्कैट्रोमीटर्स का उपयोग समुद्र की सतह में हवा की गति और दिशा को मापने के लिए किया जाता है। इससे हमें अपने जलवायु अध्ययनों को बेहतर बनाने और वायु समुद्री संपर्क को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। लेकिन जब तूफान की निगरानी करने का समय होता है तो हम सूक्ष्म तरंग रेडियोमीटर्स एक बहुत ही सटीक उपकरण का उपयोग करते हैं। महासागर का स्थल आकृति। समुद्र की सतह के बाहर और भीतर की ओर उभार समुद्र तल की स्थलाकृति की नकल करती है। वैश्विक स्तर पर ये धक्कों, धाराओं और तापमान और लवणता से जुड़े पानी के घनत्व में परिवर्तन के संकेतक हैं और इन्हें रडार अल्टीमीटर्स द्वारा मापा जा सकता है। महासागर की लवणता और तापमान। समुद्र की सतह के लवणता में छोटे बदलाव से जल चक्र और समुद्र के संचलन पर नाटकीय प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि लवणता समुद्र जल के घनत्व को निर्धारित करती है। क्योंकि समुद्र पूरे वातावरण की तुलना में ऊपर वाले 3 मीटर में अधिक ऊष्मा जमा करता है, इसलिए इसका परिसंचरण पृथ्वी की जलवायु को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। महासागर का अध्ययन हमें आगामी प्राकृतिक खतरों जैसे एल नीनो घटना, एक चक्रीय जलवायु घटना, पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत के गर्म होने से संबंधित का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकता है। इसे देखते हुए हम कई जीवनों और आर्थिक नुकसानों को बचा सकते हैं।